हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा का कक्षा 5 का इंग्लिश का पेपर देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बताना है द पेरियन टोल्ड नरेंद्र टू, ये बताना है द फर्स्ट इज मेड ऑफ, द सी ड्रोज टू सीला वर्ल्ड, रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ, बताना है इंदौर हो जाएगा, वी डू टू थैंक गॉड, ये बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है मैच दीज, सही जोड़ी बनाना है। आगरा का क्या हो जाएगा, दिल्ली मुंबई सांची हैदराबाद, इनके बहुवचन बताना है। बर्ड का बर्ड्स हो जाएगा, डंकीज बेंचेस हो जाएगा, संज्ञा शब्दों के सर्वनाम शब्दों में बदलकर बताना है, ये दिए गए हैं तीन चौथे वाले में, देख लेंगे। पांचवा राइट द इन्फिनिटिव ऑफ नाउन एंड गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल बताना है, परिभाषा ही बताना है। राइट थ्री लाइन्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता की तीन पंक्तियां बताना है इसमें। सातवें वाले में राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड, शब्दों के अर्थ हिंदी में बताना है, ये दिए गए हैं। गॉड मीन्स भगवान, सनशाइन सूर्यास्त होता है, आइडिया मतलब बताना है क्या होता है। आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहला दिया है देख लेंगे, और ये दूसरा तीसरा, चलो ओनली थ्री करना है, चार में से कोई भी तीन करना है। गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, एंटोनिम बताना है, ओपन का क्या होता है, हैप्पी अनहैप्पी लॉन्ग का शॉर्ट हो जाएगा। राइट द ऑड वन बर्ड बी बफेलो, भिन्न शब्द को लिखना है, भिन्न शब्द क्या है, बुक पेंसिल वाटर वाटर हो जाएगा, सिंगर मदर फादर, तो सिंगर अलग हो जाएगा, बर्ड बी बफेलो बफेलो अलग हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पर गोला बताना है इसमें से। राइट द इंग्लिश वर्ड प्रिंस स्वान सेवियर, इंग्लिश वर्ड लिखना है। तेरहवें वाले क्वेश्चन में राइट एनी एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 3 डेज लीव, छुट्टी के लिए 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन बताना है। चौदहवें क्वेश्चन में देखेंगे किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, द काउ हो गया, माई स्कूल, माई बेस्ट फ्रेंड। अगला देख लेंगे पंद्रहवा क्वेश्चन, ये एक पैसेज या पैराग्राफ दिया है देख लेंगे, और पैराग्राफ के चार क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चार नहीं 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लेंगे पांचों क्वेश्चन के जवाब बताना है क्या होंगे। 16वें क्वेश्चन में आम के पेड़ का चित्र बनाओ और उनके अंगों को नाम लिखना है,